तो अभी हम देखने वाले क्लास 11 का चैप्टर जो है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, और इसे मैं वन शॉट में खत्म करने वाला हूँ। तो एक शॉर्ट वीडियो ये रहेगी और सब कुछ मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ स्ट्रिंग्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक फाइल बना लिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि एक स्ट्रिंग क्या होती है। तुम्हें पता होगा स्ट्रिंग क्या होती है, अगर मैं कोई एक वेरिएबल बना लूँ और इसमें मैं कुछ स्टोर कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंगल कोट का भी यूज़ कर सकता हूँ स्ट्रिंग बनाने के लिए, यहाँ पर मैं ट्रिपल कोट्स का भी यूज़ कर सकता हूँ, डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे को किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पर मेरे को इन बातों का ध्यान रखना है कि मैं जिस कोट से शुरू कर रहा हूँ एंड क्लोज करना, उसी कोट से मुझे इसे ख़त्म भी करना होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल कोट डालना चाहूँ तो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पर एक सिंगल कोट डालूँ और दूसरा डबल कोट डालूँ, और फिर जब मैं एंड कर रहा हूँ तो एक सिंगल कोट डालूँ और दूसरा डबल कोट डालूँ। तो यहाँ पर मेरे को ट्रिपल कोट्स के लिए तीनों ही मेरे को सिंगल कोट्स का यूज़ करना पड़ेगा, और डबल कोट्स के लिए भी ऐसा है कि यहाँ पर मैं दो बार सिंगल कोट नहीं यूज़ कर सकता, मुझे एक ही बार यहाँ पर डबल कोट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था। तो इस तरह से तुम एक स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग को थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग को छोटा कर दिया और ठीक है, यहाँ पर मैंने इतना लिख दिया। और अब मैं तुम्हें जो चीज़ बताने वाला हूँ वो है इंडेक्सिंग, ठीक है। इंडेक्सिंग क्या होती है, तो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ ए को, ठीक है, तो अगर मैं इसे अभी प्रिंट करवाना चाहूँ तो यहाँ पर ये मेरे का पूरा जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट होकर आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक पोजीशन डाल दूँ, मैं यहाँ पर ए लिखूँ, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ए का जो स्ट्रिंग है उसमें से सिर्फ वाई प्रिंट हो, या फिर सिर्फ ओ प्रिंट हो, या फिर सिर्फ यू, या फिर सिर्फ आर, इस तरह से मेरे को, मैं कुछ चाहता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर यहाँ पर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ ए को, एक का जो पूरा स्ट्रिंग है उसे मैं प्रिंट नहीं करवाना चाहता। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग का यूज़ करूँगा। इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं, यहाँ पर हम पहले वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम उसके पोजिशन को डालते हैं। और पोजिशन पाइथन में किस तरह से शुरू होती है, ज़ीरो से। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये मेरा ज़ीरो पोजिशन पे है, फिर ये वन पोजिशन पे, फिर टू, फिर थ्री, इस तरह से पोजिशन जो है वो चल रहा है मेरा। तो अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो डाल दूँ तो वाई प्रिंट होना चाहिए। अगर मैं इसे अभी रन करके देखूँ, यहाँ पर ये वाई प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर थ्री डाल दूँ तो प्रिंट करके देखूँ, ये मेरे पास आर प्रिंट हो रहा है, क्योंकि आर जो है वो थर्ड पोजिशन पे है। मैं यहाँ पर वहीं अगर 10 डाल दूँ फिर क्या आता है, फिर मेरे पास एक एरर आएगा। तुम यहाँ पर देख सकते हो इंडेक्स एरर आ रहा है, ये मुझे कह रहा है कि इंडेक्स जो है उसका रेंज ही खत्म हो गया, ये आउट ऑफ रेंज हो गया। यहाँ पर तुम्हें एक और चीज़ जाननी है कि इंडेक्सिंग जो है वो पाइथन में दो तरह की होती है, पहला फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, दूसरा बैकवर्ड इंडेक्सिंग। और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग किस तरह से होती है, यहाँ पर मैं तुम्हें लिख के बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ योर, ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, फिर नीचे मैं एक और कमेंट आउट करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात करूँ तो ये हो जाएगा पहले ज़ीरो, फिर ये हो जाएगा वन, फिर टू, फिर थ्री, ये इस तरह से चलेगा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के लिए। और अगर अभी मैं बात करूँ बैकवर्ड इंडेक्सिंग की तो वो कुछ इस तरह से चलेगा, पहले आएगा -1, उसके बाद आएगा -2, उसके बाद आएगा -3, फिर -4, ठीक है। तो ये था बैकवर्ड इंडेक्सिंग के लिए। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, अगर मैं इनके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एन मान लूँ, जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ठीक है, फोर कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, तो मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एन मान लूँ, तो वो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, ये जीरो से लेकर एन माइनस वन तक ये चलती है, ठीक है, यानी जीरो पे शुरू होती है और एन माइनस वन पे ये ख़त्म होती है। वहीं अगर हम बात करें बैकवर्ड इंडेक्सिंग के बारे में तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग जो है वो शुरू कहाँ से होती है, माइनस वन से शुरू होती है, ठीक है, ये होती है माइनस वन से शुरू। और इसे मैं काउंट कहाँ से कर रहा हूँ, इसे मैं काउंट कर रहा हूँ, ये जो माइनस वन है, ये जो मेरा लास्ट डिजिट है वो ये है, ठीक है। तो माइनस वन जो है वो ऐसा नहीं कि यू है, सॉरी, ऐसा नहीं है कि ये माइनस वन जो है वो मेरा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, माइनस वन जो है वो आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे इसे उल्टा लिखना चाहिए, मैं उसे सही कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसे -1 कर देता हूँ, फिर ये हो जाएगा मेरा -2, फिर ये -3, फिर ये हो जाएगा -4। तो इस तरह से मेरा जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग है वो काम करता है, और ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, ये -1 से 4, ठीक है, -4 तक चल रहा है, ठीक है। तो -1 से लेकर हम इसे कहाँ तक लेके जा सकते हैं, एन माइनस ऑफ एन तक, ठीक है।
या फिर हम इसे कह सकते हैं कि अगर मैं इसे इस सीरीज में बात करूं तो माइनस एन से लेकर माइनस वन तक ये काम करता है, ठीक है। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट था, ये था मेरा इंडेक्सिंग के बारे में, ठीक है। यानी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग किस तरह से होती है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग किस तरह से होती है। अब मैं इनका एक यूज करके तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग। और इसी चीज में मैं तुम्हें क्या करने वाला हूँ, मैं तुम्हें इंडेक्सिंग का यूज करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है। ट्रैवर्सिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी एक स्ट्रिंग के थ्रू पास करें, ठीक है। हम एक उसके हर एक एलिमेंट को एक्सेस करें, हम उसके हर एक लेटर को एक्सेस करें कि उसमें क्या क्या है। ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए नहीं होता, ये लिस्ट, टप्पल्स, डिक्शनरीज, इनके लिए भी होता है। तो फिलहाल मैं तुम्हें स्ट्रिंग्स के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रिंग्स का चैप्टर है। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लूप बनाते हैं। हम एक लूप बनाएंगे और उसके ही थ्रू हम अपना जो स्ट्रिंग है उसके थ्रू पास करेंगे। तो अगर मुझे सिंपली इसे प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ प्रिंट ए, और मैं अगर प्रिंट ए लिखूंगा तो ये मेरा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मुझे उसे यहाँ पर ये बताना है कि मैं हर एक कैरेक्टर को पास करके उसे प्रिंट करवा रहा हूँ। यानी पहले यू से वाई से पास हुआ और उसे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, फिर ओ से पास हुआ, फिर ओ प्रिंट हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं चाहूँ तो हर एक कैरेक्टर के बाद कोई एक सिंबल का यूज़ कर सकता हूँ, या तो डैश का यूज़ कर लूँ या तो हैश। तो इन चीज़ों का मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा। तो फॉर आई इन, और यहाँ पर मैं रेंज फंक्शन का यूज़ करूँगा। तुम सबको रेंज का फंक्शन तो पता ही है कि यहाँ पर मैं शुरू में स्टार्ट वैल्यू डालता हूँ, उसके बाद एंड वैल्यू डालता हूँ, और उसके बाद फिर स्टेप वैल्यू डालता हूँ। तो स्टार्ट वैल्यू मैंने डाल दिया 0, और उसके बाद एंड वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग पहले यूज़ कर रहा हूँ, मैं तुम्हें फॉरवर्ड इंडेक्सिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो एंड वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, एन माइनस वन। एन या एन क्या था हमारा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या थे, 4। तो यहाँ पर एन माइनस वन क्या हो गया, 3, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर तुम्हें ये पता होगा कि ये जो स्टॉप वैल्यू होती है रेंज के लिए, उससे एक कम तक चलता ही है, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें इसे रन करके पहले दिखाता हूँ तो तुम्हें तभी समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँ, और प्रिंट क्या कर रहा हूँ, ए का इंडेक्स जो है वो मैं यहाँ पर आई डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये क्या करेगा, पहले फॉर आई इन रेंज, तो फॉर लूप कैसे चलता है, पहले आई की वैल्यू जो है वो सबसे पहले वाले इटरेशन में क्या आएगी, 0, ठीक है। तो आई की वैल्यू जब 0 है तो ए ऑफ आई क्या हो जाएगा, ए ऑफ आई वाई हो जाएगा, तो वाई प्रिंट होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर मैं आउटपुट भी साथ में लिख देता हूँ, ठीक है। आउटपुट अगर मैं साथ में लिखूँ तो यहाँ पर मैं तुम्हें आउटपुट प्रेडिक्ट करने के लिए एक मल्टी लाइन कमेंट बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने मल्टी लाइन कमेंट बना लिया। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करके तुम्हें पहले बताता हूँ कि आउटपुट क्या होना चाहिए। सबसे पहले आई जो है उसमें 0 जाना चाहिए, तो प्रिंट करना चाहिए ए ऑफ 0। तो ए ऑफ 0 क्या है, ए ऑफ 0 हमारा क्या है, वाई, ठीक है। तो वाई पहले प्रिंट हो गया, हो गया। अब उसके बाद प्रिंट में हम सब जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट एंड का जो आर्ग्यूमेंट है वो रहता ही है, तो एंड इक्वल्स टू बैक स्लैश एन यहाँ पर लगा रहता है। तो ये बाय डिफॉल्ट नीचे चला जाएगा। उसके बाद आई में क्या जाएगा, उसके बाद आई में जाएगा 1, ठीक है। तो ए ऑफ 1 क्या है, ए ऑफ 1 ओ है, तो यहाँ पर ओ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई में क्या जाएगा, 2, ठीक है। और 2 जाने के बाद ए ऑफ 2 में क्या है हमारे पास, यू है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यू प्रिंट करेगा। और उसके बाद आई के पास जैसे ही 3 पहुंचेगा तो ये यहाँ पर बंद हो जाएगा, यहाँ पर इसके बाद नहीं जाने वाला, ठीक है। तो ये रेंज फंक्शन का ये काम होता है कि स्टॉप वैल्यू पे आने के बाद ही स्टॉप कर दे, इसके आगे वाले फंक्शन को ना चलाए। तो यहाँ पर जब इसे 3 मिल रहा है तो ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसे बढ़ाकर 4 लिख देंगे। और अगर मैंने इसे 4 लिखा तो ये 0 से 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, फिर 3 भी चलेगा। और ए ऑफ 3 में क्या आ रहा है हमारे पास, ए ऑफ 3 में हमारे पास है आर, स्मॉल आर। तो ये आउटपुट मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो क्या ऐसा आउटपुट आ रहा है, जरा मैं इसे रन करके देखता हूँ। हाँ, ये वैसा ही आउटपुट आ रहा है, सेम टू सेम। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ। ट्रैवर्स का मतलब होता है कि एक एक करके एलिमेंट से पास होना। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि इसे वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पर एक सिंबल का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं एक सिंबल यूज़ कर देता हूँ, स्ट्रिंग में ही डालूंगा मैं इसे। तो अगर मैं यहाँ पर एट द रेट डाल दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हर एक चीज़ के बाद एट द रेट आएगा। और एंड का भी आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, एंड इक्वल्स टू, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बैक स्लैश एन रहता है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ पर मैं स्पेस डालता हूँ सिर्फ। अब क्या होगा, अब जरा मैं इसे रन करके देखूँ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हर एक कैरेक्टर के बाद क्या हो रहा है, हर एक कैरेक्टर के बाद पहले उस कैरेक्टर को ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। पहले उस कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पर ये कॉमा के वजह से एक ऑटोमेटिकली एक स्पेस यहाँ पर जुड़ रहा है, क्योंकि एक स्टेप नाम का एक और जो आर्ग्यूमेंट है वो यूज़ किया हुआ होता है, जो कि मैंने तुम्हें पाइथन फंडामेंटल्स की वीडियो में बताया था।
तो यहाँ पर एक स्पेस आ गया, और उसके बाद फिर एट द रेट हो रहा है, तो यहाँ पर ये एट द रेट आ गया। तो उसके बाद फिर एंड जो है वो बैक स्लैश एन होने के बजाय एक और स्पेस आ रहा है, तो यहाँ पर भी एक और स्पेस आ गया। फिर जो है वो उसी तरह से बाकी का जो लूप है वो हमारा चल रहा है। तो इस तरह से हम ट्रैवर्सिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं पहले यहाँ पर से हटाता हूँ। और अगर मैं तुम्हें बोलूँ यहाँ पर कि तुम्हें ट्रैवर्सिंग करना तो है लेकिन बैकवर्ड इंडेक्सिंग के साथ, ठीक है, या फिर अगर मैं तुम्हें ये कह दूँ कि ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास, ये जो तुमने प्रिंट किया है, ये मुझे रिवर्स में चाहिए, ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को हटा दूँ तो मेरे को ये वाई ओ यू आर रिवर्स में चाहिए। अगर मैं इसे अभी रन करके देखूँ तो ये वाई ओ यू आर मेरे को सिंपल प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये आर यू ओ वाई ऐसा प्रिंट हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग का यूज़ करूँ तो यहाँ पर मैं शुरू करना चाहूँगा। शुरू किससे करना चाहूँगा, यहाँ पर मैं स्टार्ट वैल्यू में -1 डालूंगा, ठीक है, और एंड वैल्यू में क्या डालूंगा, मैं एंड वैल्यू में क्या डालूंगा, मैं यहाँ पर अगर तुम देखो तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग जो है वो ख़त्म कहाँ तक होती है, -n तक, ठीक है, -n तक चलती है। तो यहाँ पर मैं अगर -ऑफ n क्या है, साइज ऑफ हमारा जो स्ट्रिंग है वो है, तो साइज ऑफ स्ट्रिंग क्या है, 4, तो -ऑफ 4 अगर मैं ये डाल दूँ, ठीक है, तो क्या होता है। और तुम एक और चीज़ यहाँ पर मैंने अभी भी तुम्हें बताई थी कि रेंज का जो स्टॉप पोजीशन होता है वो वहाँ तक नहीं जाता है, वो उससे एक पीछे तक ही जाके रह जाता है। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये किस तरह से चलेगा, तो पहले -1 आएगा, फिर क्या आना चाहिए, हमारे पास बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू जो है वो 1 रहती है, ठीक है, ये मैंने तुम्हें अभी बता दिया। तो पहले -1 आएगा, तो -1 + 1 क्या हुआ, हमारे पास 0 हो गया, तो ये 0 आ गया, ठीक है, फिर 0 + 1 क्या हो गया, हमारे पास 1 आ गया। तो ये तो हमारे पास -1 से आगे जा रहा है, यानी पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे इसे -1 से -4 तक लेकर जाना है। तो मुझे यहाँ पर स्टेप वैल्यू में चेंजेस करने होंगे। कौन से चेंजेस करने होंगे, यहाँ पर मुझे 1 के जगह यहाँ पर इसे -1 करना होगा ताकि ये पीछे की तरफ जाए। तो पहले -1 आएगा, फिर -1 - 1 क्या होता है, -2, तो फिर -1 के बाद -2 - 3 और -4 पर ये रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि -4 पर ये चलने वाला है नहीं, क्योंकि ये रेंज फंक्शन का यही नेचर होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, -5 लिखने वाला हूँ। अब मेरा जो लूप है वो परफेक्ट है, और अब मेरे पास यहाँ पर एक परफेक्ट आउटपुट आ गया है। तो इस तरह से मैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग का यूज़ करके इसे रिवर्स में प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें दो ऑपरेशंस बताने वाला हूँ स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, दो ऑपरेशंस बताने वाला हूँ स्ट्रिंग में। दो ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, सबसे पहला कॉन्कैटनेशन और दूसरा रेप्लिकेशन। कॉन्कैटनेशन मतलब दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना, और रेप्लिकेशन मतलब एक स्ट्रिंग को ही मल्टीपल टाइम्स कर देना, ठीक है। अब मैं इसे तुम्हें प्रैक्टिकली बताता हूँ वो तुम कैसे करोगे। तो यहाँ पर मैं इन सब चीज़ों को कमेंट आउट कर देता हूँ, या फिर मैं इस चीज़ को हटा ही देता हूँ। यहाँ पर मैंने इस चीज़ को हटा दिया, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक ए नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, इसमें मैं स्टोर करता हूँ हेलो, और दूसरा बी नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, इसमें मैं स्टोर करता हूँ वर्ल्ड। यहाँ पर मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे कॉनकेटेनेट करना चाहूँ तो या तो मैं इसे डायरेक्ट कॉनकेटेनेट करके प्रिंट करवाऊंगा, या तो मैं इसे कॉनकेटेनेट करके एक दूसरे स्ट्रिंग में असाइन करूंगा और मैं उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाऊंगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर मैं यहाँ पर सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी करूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉनकेटेनेट करवा सकते हैं स्ट्रिंग्स को। तो इसके बाद यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊंगा अगर सी को, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो है वो ए प्लस बी यानी हेलो वर्ल्ड साथ में आ जाएंगे। यहाँ पर तुम देख सकते हो बीच में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, और बैक स्लैश एन डायरेक्ट नहीं आता, वो कहाँ आता है, प्रिंट वाले स्टेटमेंट को खत्म करने के बाद आता है, यानी हेलो वर्ल्ड मेरे पास साथ में प्रिंट हो जाएगा। मैं इसे अगर अभी रन करके देखूँ, यहाँ पर तुम देख सकते हो हेलो वर्ल्ड साथ में प्रिंट हो गया। तो ये था मेरा कॉनकैटेनेशन। और यहाँ पर तुम्हें एक बात ये याद रखनी है कि हम किसी स्ट्रिंग के साथ किसी इंटीजर को कॉनकैटेनेट नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर तुम ये रन करो तो तुम्हारे पास एक टाइप एरर रहेगा, यानी कि डेटा टाइप में तुम्हारी गड़बड़ी है। फिर यहाँ पर मैं अगर कोई फ्लोट नंबर यूज़ करूँ, 1.5 यूज़ करूँ, तो भी सेम सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जब भी तुम कॉनकैटेनेशन यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर स्ट्रिंग्स को स्ट्रिंग्स के ही साथ जोड़ना है। तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि स्ट्रिंग्स को तुम नंबर्स के साथ जोड़ रहे हो या फ्लोटिंग पॉइंट के साथ जोड़ रहे हो, या फिर यहाँ पर तुम ये भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ उल्टा पुल्टा टाइप कर दिया, और अगर मैं अभी से रन करूँ तो यहाँ पर ये उस तरह से आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो ये था कॉनकैटेनेशन। अभी जो हमारे पास टॉपिक है वो है रेप्लिकेशन, यानी अगर मेरे पास जो हेलो ये जो स्ट्रिंग है, इस चीज़ को अगर मैं मल्टीपल टाइम्स कन्वर्ट कर दूँ, यानी कि ए इंटू मान लेते 4, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, तो सी में क्या असाइन हो रहा है,
यानी हेलो 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 ये चार बार प्रिंट होगा मेरे पास बिना किसी स्पेस के, बिना किसी सेपरेशन के। अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये इस तरह से प्रिंट हो गया है। तो ये था रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब कि हमारा जो स्ट्रिंग है उसे मल्टीपल टाइम्स बना देना, और कॉन्केटेनेशन यानी स्ट्रिंग्स को जोड़ना। कॉन्केटेनेशन में ही हमारा ये कंडीशन था कि हम स्ट्रिंग्स को स्ट्रिंग्स के ही साथ जोड़ सकते हैं, और रेप्लिकेशन में हमारी कंडीशन है कि हम स्ट्रिंग्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं इंटीजर टाइम्स। यहाँ पर कोई फ्लोटिंग नंबर हम नहीं डाल सकते, 4.5 नहीं डाल सकते हम यहाँ पर। यहाँ पर टाइप एरर आ रहा है, या फिर हम यहाँ पर कोई और एक स्ट्रिंग नहीं डाल सकते। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ पर रन करूँ, ठीक है, तो बी में क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते। कॉनकैटिनेट कर सकते हैं लेकिन रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो ये था कॉनकैटिनेशन और रेप्लिकेशन। इसी का यूज़ करके हम यहाँ पर एक पैटर्न बना लेते हैं। यहाँ पर मैं तुम्हें प्रिंट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ कि किस तरह का पैटर्न हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह का पैटर्न बनाने वाला हूँ कि पहली बार में एक स्टार प्रिंट हो, दूसरी बार में दो, तीसरी बार में तीन, यानी और फिर चौथे लाइन में चार, यानी कि जितना यूज़र इनपुट दे, ठीक है, उतने लाइंस प्रिंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यूज़र से मैं इनपुट लूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पर ए में उसको असाइन करूँगा। ए इज इक्वल्स टू, वो हमारा जो इनपुट होगा वो इंटीजर होगा, यानी कितने नंबर ऑफ लाइंस चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो वो इंटीजर हो गया, और उसके अंदर मैं यहाँ पर इनपुट फंक्शन का यूज़ करूँगा, और उसके अंदर मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट डालूँगा, एंटर अ नंबर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये मेरे को यूज़र जो है वो एक नंबर एंटर करेगा, और वो ए में चला जाएगा। फिर मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करूँगा, फॉर आई इन, यहाँ पर मैं रेंज फंक्शन का यूज़ करूँगा, और रेंज फंक्शन के अंदर मैं क्या डालूँगा, यहाँ पर मैं डालूँगा कितने नंबर्स ऑफ लाइन प्रिंट होना चाहिए वो मेरे को डालना है। ठीक है, तो मैं अगर मैं उसे स्टार्ट करूँ ज़ीरो से, ठीक है, तो ज़ीरो से कितने नंबर ऑफ लाइन्स चाहिए मेरे को, टोटल मान लेते हैं, यूज़र ने एंटर किया चार। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पर चाहिए मेरे को, चार लाइन चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर का जो लूप है, यानी ये जो रेंज फंक्शन का जब यूज़ करेगा तो वो ज़ीरो को भी इंक्लूड करेगा, यानी 0, 1, 2, 3, ठीक है, इतने तक का वैल्यूज़ हमें आई में चाहिए, तभी वो हमारे पास चार बार जो है वो लूप चलेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फोर डालूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फोर है तो फोर को ये काउंट नहीं करने वाला, फोर जब ही इसे मिलेगा तो वो स्टॉप हो जाएगा, तो ये थ्री तक ही चलने वाला है, तो ज़ीरो से लेकर फोर तक। ठीक है, तो ज़ीरो से लेकर फोर तक एक एक करके आई में ये वैल्यूज़ आने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर अब प्रिंट करूँ स्टार को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अभी मेरे पास सिंपली लाइन बाय लाइन एक एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। कितने लाइंस में, यहाँ पर अगर मैं जितने लाइन डालूँ, अगर मैं यहाँ पर चार डालूँ तो यहाँ पर मेरे पास चार लाइन ऑफ स्टार्स प्रिंट हो गए हैं, वो भी सिर्फ एक एक। लेकिन मेरा जो पैटर्न था वो इस तरह से नहीं था, मेरा पैटर्न ये है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक एक करके अपने स्टार को जो है वो रेप्लीकेट करूँगा। पहली बार में वन से रेप्लीकेट करूँगा, दूसरी बार में स्टार को टू से रेप्लीकेट करूँगा, तीसरी बार में थ्री, चौथी बार में चार। ठीक है, तो पहली बार जब आई की वैल्यू जीरो होगी तो 0 प्लस 1, यानी 1 टाइम्स मुझे इसे रेप्लीकेट करना है। तो यहाँ पर मैं इसे मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर लगाऊंगा, और यहाँ पर आई प्लस वन कर दूंगा। मेरा काम खत्म हो गया यहाँ पर, अब जो मेरा जो पैटर्न है वो सक्सेसफुली बन जाएगा यहाँ पर। तो पहली बार में क्या होगा कि आई में जब जीरो जाएगा तो ये 0 प्लस 1 यानी 1 1 टाइम से रेप्लीकेट होगा, मेरे पास आउटपुट आएगा पहली बार, पहले लाइन में ये एक बार प्रिंट होगा। फिर दूसरे बार में यहाँ पर आई के पास जब 1 जाएगा तो यहाँ पर ये 1 प्लस 1 यानी 2 टाइम्स रेप्लीकेट होगा, तो यानी दूसरे लाइन में ये 2 बार आ जाएगा। फिर तीसरे लाइन में उसी तरह से, यहाँ पर जब ये जो तीसरी बार जब लूप चलेगा तो यहाँ पर आई में इसके पास 2 आएगा, और 2 प्लस 1 यानी 3, तो ये 3 टाइम्स रेप्लीकेट होगा। तो इस तरह से ये मेरा जो लूप है वो काम करेगा। यहाँ पर मैं एक और काम कर सकता था, यहाँ पर मैं वो काम कर सकता था कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसे 1 से स्टार्ट करूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर एन जो है वो आउटपुट है, यहाँ पर अगर ए जो है वो आउटपुट है, तो यहाँ पर मैं ए प्लस 1 टाइम्स इसे चलाऊँ, और मैं यहाँ पर इसे डायरेक्ट आई कर दूँ। ठीक है, यानी आई टाइम्स ही रेप्लीकेट हो जाए, यानी पहली बार में आई में जब 1 आएगा तो ये पहली बार में एक बार प्रिंट हो। ठीक है, फिर दूसरी बार में जब आई में 2 आएगा तो उस टाइम ये 2 बार प्रिंट हो। ये ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर मैं 0 यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो लूप है उसे मैं 1 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, और ए प्लस 1 तक चला रहा हूँ ताकि ये ए तक चले। तो अगर मैं इसे अभी रन करूँ, मैं यहाँ पर अगर 7 दे दूँ तो ये मेरे को 7 लाइन का जो पैटर्न है वो इसे बनाकर दे देगा। अगर मैं लाइन को काउंट करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर ये 7 लाइन का जो पैटर्न है वो मेरे पास बन के आ चुका है। तो इस तरह से बहुत सारे पैटर्न्स और भी होते हैं, और तुम्हें एग्जाम में ज़्यादातर क्या पूछा जाता है कि तुम इन पैटर्न्स को बनाओ, लेकिन नेस्टेड लूप का यूज़ करके।
तो यहाँ पर ये जो पैटर्न था इसे मैंने रेप्लिकेशन की हेल्प से बनाया, ठीक है। तुम इसे नेस्टेड लूप की भी हेल्प से बना सकते हो। ज़्यादातर एग्जाम्स में क्या पूछे जाते हैं कि तुम नेस्टेड लूप से ही बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर तुम रेप्लिकेशन का भी यूज़ कर सकते हो, वो मैंने तुम्हें बता दी कि तुम किस तरह से यूज़ कर सकते हो। अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। ये क्या होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था पाइथन फंडामेंटल्स वाली वीडियो में कि इसमें आते हैं इन और नॉट इन। ये क्या कैसे काम करते हैं, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें मैं असाइन करता हूँ हेलो को, ठीक है। और मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया, इसमें मैं असाइन कर रहा हूँ ओ को, ठीक है। और मैं अब यहाँ पर एक कंडीशन डालूंगा प्रिंट फंक्शन के अंदर। इसके अंदर मैं क्या कंडीशन डाल रहा हूँ कि बी, ठीक है, बी इन ए, ठीक है। तो ये कंडीशन मेरी ये कह रही है कि बी जो है वो क्या ए में एग्जिस्ट करती है, यानी बी में क्या है ओ, क्या ओ जो है वो ए के अंदर है, हाँ है, तो ये मेरे को ट्रू प्रिंट करके देना चाहिए। तो मैं इसे अगर रन करूँ तो यहाँ पर मेरे पास ट्रू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ बी के जगह में यहाँ पर मैं ऐसे भी डाल सकता था, क्या ये स्ट्रिंग जो है वो ए नाम के वेरिएबल में है। तो इसे मैं अगर रन करूँ तो यहाँ पर भी ये ट्रू आ गया। फिर अगर मैं यहाँ पर कोई एक दूसरी स्ट्रिंग भी डाल दूँ ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो अगर मैं इसे ऐसे रन करूँ तो यहाँ पर ये भी प्रिंट करके मेरे को दे रहा है ट्रू कि हाँ ये जो ई है वो यहाँ पर है। लेकिन कौन यहाँ पर अगर मैं कुछ और डाल दूँ, अगर मैंने यहाँ पर जेड डाल दिया और अगर मैं इसे अभी रन करके देखूँ तो ये मेरे को फॉल्स बोल रहा है, क्योंकि ये जो जेड है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। और एक और चीज़ यहाँ पर तुम देख लो कि अगर मैं यहाँ पर ए डालूँ और साथ में आई डाल दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अभी तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर ए तो है और साथ में आई भी है, तो ये मेरे को ट्रू प्रिंट करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये फॉल्स प्रिंट करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए, ए के बाद आई ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए के बाद आई नहीं आ रहा, ए के बाद ई आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा काम कर रहा है प्रिंट फंक्शन। तो इस तरह से मेरा ये जो इन है वो काम कर रहा है। और अगर सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इन के पहले नॉट लगा दूँ, तो यहाँ पर नॉट इन लगाने के बाद क्या होता है कि मेरा जो आउटपुट आ रहा था बस उसका उल्टा आउटपुट आएगा, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर मेरे पास ट्रू आ रहा था उसके जगह पे फॉल्स आएगा, जहाँ फॉल्स आ रहा था वो ट्रू आ जाएगा। तो ए आई साथ में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर ये नहीं एग्जिस्ट करता ये वाली बात सच हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ये ट्रू हो गया। और अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ कि यहाँ पर मैं जेड डाल दूँ, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जेड जो है वो इस चीज़ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये सही बोल रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर मैं इसे रन करूँ तो ये भी यहाँ पर ये ट्रू आ गया कि ये सही बोल रहा है। तो इस तरह से मेंबरशिप ऑपरेटर काम कर रहा है। अब हमारे पास आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले तुम्हें कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे हटा दिया, ठीक है, और इसके जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं स्मॉल ए डाल रहा हूँ, यहाँ कैपिटल ए डाल रहा हूँ। तो अभी तक तुम सोच रहे होगे कि हम अभी तक जो कंपैरिजन कर रहे थे वो नंबर्स पे कर रहे थे, यानी वन जो है वो टू से छोटा है, टू जो है वो वन से बड़ा है, फाइव जो है वो टेन से छोटा है, या फिर फाइव फाइव इक्वल है। तो इस तरह से कंपैरिजन कर रहे थे। तो कंपैरिजन जो था वो नंबर्स के बेसिस पे था, लेकिन अभी हम इन स्ट्रिंग्स पे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसका क्या सेंस बनता है। अगर मैं इसे अभी तुम्हें रन करके दिखाऊं तो ये ट्रू बता रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये एरर क्यों नहीं दे रहा मुझे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये इन कैरेक्टर्स के आस्की कोड्स को, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्डिनल वैल्यूज को पकड़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑर्डिनल वैल्यूज की, तो ऑर्डिनल वैल्यूज क्या होते हैं, यहाँ पर मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि हमारे कीबोर्ड्स में जो भी कीज है जिन्हें हम टाइप करते हैं तो उन सब का एक ऑर्डिनल वैल्यू होता है, और उसे हम आस्की कोड भी कहते हैं। यहाँ पर अगर मैं तुम्हें क्रोम खोल के दिखाऊं, तो यहाँ पर मैंने एक टैब खोल के रखा हुआ है, यहाँ पर तुम देख सकते हो हर एक कैरेक्टर हमारे पास है, और यहाँ पर जो तुम्हें डेसिमल वाले कॉलम में दिख रहा है वही इसका आस्की कोड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं अल्फाबेटिकल लेटर्स को ढूंढूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कैपिटल ए, ठीक है। तो कैपिटल ए का जो ऑर्डिनल वैल्यू है वो क्या है, 65, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि कैपिटल ए का जो आस्की कोड है वो 65 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम स्मॉल ए को ढूंढें, ठीक है, तो स्मॉल ए का जो ऑर्डिनल वैल्यू है वो 97, तो हम जानते हैं कि 97 जो है वो 65 से बड़ा है, इसलिए वो ये मान रहा है कि हमारा जो स्मॉल ए है वो बड़ा है कैपिटल ए से। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये किस बेसिस पे काम कर रहा है, ये ऑर्डिनल वैल्यूज़ पे काम कर रहा है। और अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि ऑर्डिनल वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक की रेंज करती हैं, तो मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। अगर हम डिजिट्स की बात करें तो हाँ, डिजिट्स में भी होता है ऑर्डिनल वैल्यूज़। तो अगर हम बात करें ऑर्डिनल वैल्यूज़ की, तो वो उनका रेंज मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जीरो से लेकर, अगर मेरे को देखना है तो जीरो का हो जाएगा 48, वहीं हो जाएगा 9 का 57,
वही कैपिटल ए का 65 और स्मॉल ए का जो है वो 97 हो जाएगा। तो क्या तुम्हें ये पूरा याद रखना है? तो तुम इसे याद करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम सिर्फ ये याद रख सकते हो कि जीरो का जो है वो 48 हो सकता है, और उसके बाद फिर तुम सीक्वेंस में काउंट कर सकते हो, ठीक है? उसी तरह से कैपिटल ए का तुम 65 याद कर लो, स्मॉल ए का तुम 97 याद कर लो, ठीक है? तो तुम्हें यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाले हैं सिर्फ उनको याद करना है। तो इस तरह से तुम ऑर्डिनल वैल्यूज का यूज़ अब कर पाओगे। तो ऑर्डिनल वैल्यूज़ का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स का काम करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, यहाँ पर जैसे ए है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर भी ए कर देता हूँ, तो ये इक्वल होंगे दोनों। अगर मैं इसे रन करूँ तो ये फॉल्स बताएगा, ठीक है, फॉल्स बता रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये करूँ तो ये मेरे को इक्वल बता, ये मेरे को ट्रू बता रहा है, क्योंकि हाँ ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर अगर मैं बी और सी डाल दूँ, तो अभी तुम्हें पता होगा कि ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ए ज़्यादा होगा। अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो ये मेरे को फॉल्स बता रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको ट्रू करवाने के लिए ए को, यहाँ पर मैंने ए को ग्रेटर कर दिया। अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो ये मेरे को ट्रू बता रहा है। क्या होगा अगर मैं यहाँ पर स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए कर दूँ, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा? तो यहाँ पर मैंने कंडीशन यहाँ पर क्या डाला होगा कि ए जो है वो बड़ा है बी से, तो ये क्या बता रहा है, ये फॉल्स बता रहा है मेरे को, ठीक है, ये मेरे को फॉल्स बता रहा है, ये कि ये कहना चाह रहा है कि बी जो है वो ज़्यादा बड़ा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्मॉल ए की जो है वो ऑर्डिनल वैल्यू है वो 97, वो ज़्यादा है कैपिटल ए की ऑर्डिनल वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर सेम चीज़ें डाल दूँ, कैपिटल ए फिर बी सी, यहाँ पर मैंने सेम चीज़ें डाली हुई है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर स्मॉल डी डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कैपिटल डी डाल देता हूँ, तो भी अभी तुम आउटपुट समझ पा रहे होगे, ठीक है, कि क्यों ए बड़ा है। ए बड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने स्मॉल वाले लेटर का यूज़ किया है जिसकी ऑर्डिनल वैल्यू ज़्यादा होती है। तुम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये स्मॉल वालों की ऑर्डिनल वैल्यूज़ है, यहाँ पर ये कैपिटल वालों की ऑर्डिनल वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से तुम कंपेयर कर सकते हो अपने ऑर्डिनल वैल्यूज़ को। अगर मैं यहाँ पर से हटा दूँ इसे और अगर अभी रन करके देखूँ तो यहाँ पर ये फॉल्स निकल के आ रहा है, यानी कि ये कह रहा है कि बी जो है वो ज़्यादा बड़ा है। और बी ज़्यादा क्यों बड़ा है? क्योंकि इन चीज़ों के बाद जो है वो डी जो है वो बी में एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो इसलिए बी को ये कैपिटल कहना चाह रहा है। तो इस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर काम करता है। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्लाइसिंग के बारे में, ठीक है? तो स्ट्रिंग में स्लाइसिंग करने का मतलब ये है कि हमारे पास मान लेते हैं कि कोई एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर मैंने ए में हेलो रख दिया, तो स्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पर इस स्ट्रिंग से कोई पोर्शन उठा के रखूँ, यहाँ पर मैं एक बी रखता हूँ, ठीक है, और अब मैं यहाँ पर स्लाइसिंग करता हूँ ए के ऊपर, तो यहाँ पर मैं उसके लिए ए लिखूंगा और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करूंगा। यहाँ पर तुम रिलेट कर पा रहे होगे इंडेक्सिंग से, लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है कि मैं यहाँ पर स्लाइसिंग कर रहा हूँ, तो स्लाइसिंग के लिए यहाँ पर मैं जीरो लिखूंगा, और उसके बाद जीरो से लेकर मुझे कहाँ तक की वैल्यू चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 आ गया, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 4। लेकिन इसकी एक खासियत है कि यहाँ पर रेंज फंक्शन की तरह ये स्टॉप वैल्यू पे रुक जाती है, यानी ये जो 4 पे जो आएगा उसे ये काउंट नहीं करेगी, ठीक है, तो ये कहाँ तक काउंट करेगी, 0, 1, 2, 3 तक, ठीक है, तो 0, 1, 2, 3 यहाँ तक HELL, यानी हेल्प प्रिंट हो क्या होगा हमारे पास। अगर मैं बी को प्रिंट करवाऊँ तो मैं प्रिंट करवा देता हूँ बी को, यहाँ पर मैंने बी बी को प्रिंट करवाया। अगर मैं इसे भी प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास हेल लिखा हुआ आ गया। तो मैंने तुम्हें बता दिया ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ पर स्टेप वैल्यू भी होती है, ठीक है, जैसा रेंज फंक्शन में भी तुमने पढ़ा होगा स्टेप वैल्यू के बारे में, तो उस तरह से यहाँ पर भी स्टेप वैल्यू होती है। तो स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 1 होता है, तो 1 की जगह अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर्स को छोड़ देगा। जैसे कि यहाँ पर एच है तो ये एच को लेगा, फिर बाद में ई को छोड़ देगा, फिर एल को लेगा, फिर अगले वाले एल को छोड़ देगा। तो यहाँ पर मैं इसे रन करके देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर 3 तक जा रहा है, ठीक है, तो 0, 1, 2, 3 यहाँ तक जा रहा है ये। तो जब ये 0 से लेकर 3 तक जा रहा है तो स्टेप वैल्यू में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो HELL यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, 0, 1, 2, 3 यहाँ तक आ रहा है। यहाँ पर अगर मुझे इसे इस पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर 5 डालूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं 5 डालूंगा उसके लिए, लेकिन मैं यहाँ पर कहाँ तक प्रिंट करवा रहा हूँ, HELL यहाँ तक प्रिंट करवा रहा हूँ, और यहाँ स्लाइसिंग वैल्यू 1 है, यहाँ पर स्टेप वैल्यू जो है वह 1 है, तो इसकी मुझे यहाँ पर ये डालने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह 2 डालूंगा तो क्या होगा कि वो एक कैरेक्टर को छोड़ देगा, ठीक है, हर एक सक्सेसिव कैरेक्टर को छोड़ देगा, हर एक ऑल्टरनेट कैरेक्टर को छोड़ देगा। तो यहाँ पर मैं 1 की जगह 2 डाल देता हूँ,
और अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो क्या आता है, एच एल आया। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ ये जीरो वाले को इसने उठा लिया, फिर इसने ई को छोड़ दिया, फिर इसने एल को उठा लिया, फिर इसने ए को छोड़ दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे पास जब तक ये जीरो से लेकर थ्री तक में पहुंच रहा है, जब तक ये जीरो से लेकर थ्री तक पहुंच रहा है, तब तक मेरे पास क्या क्या आया, एच और एल, ठीक है, ये दोनों चीज़ें ही आ रहे हैं हमारे पास, तो इसलिए इसने ये प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से ये जो स्लाइसिंग है वो काम करती है, और यहाँ पर इस तरह से मैं यहाँ पर स्टेप वैल्यू भी दे सकता हूँ। और स्लाइसिंग जो है वो तुम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग से करो, तुम यहाँ पर बैकवर्ड इंडेक्सिंग का भी यूज़ कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पर बैकवर्ड इंडेक्सिंग का यूज़ करना है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, माइनस वन डालता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पर माइनस वन से चाहिए, कहाँ तक, माइनस वन से, ये माइनस वन है, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, ठीक है, ये माइनस फाइव है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, माइनस सिक्स डालूंगा, क्योंकि ये जब इसके पास माइनस सिक्स आएगा तो ये रुक जाएगा, तो ये कब तक चलेगा, माइनस फाइव तक। अगर मैं इसे अभी रन करके देखूँ तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर मुझे कुछ प्रिंट करके नहीं दे रहा है, जबकि इसे क्या प्रिंट करना चाहिए था, यहाँ पर इसे कुछ तो प्रिंट करके देना चाहिए था, लेकिन ये प्रिंट नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर ये मुझे कुछ प्रिंट करके नहीं दे रहा है, देखो यहाँ पर जो आउटपुट है वो खाली है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो स्टेप वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वन होता है। लेकिन मुझे क्या करना है कि, लेकिन जब ये स्लाइसिंग कर रहा है तब क्या होगा, यहाँ पर पहले ये माइनस वन करेगा और उसमें वो जब वो वन ऐड करेगा तो माइनस वन प्लस वन क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर ये जीरो आ गया, लेकिन जीरो क्या बैकवर्ड इंडेक्सिंग में यूज़ होती है? नहीं होती है, वो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में यूज़ होती है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बैकवर्ड इंडेक्सिंग का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये माइनस दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसे आगे नहीं भेजना है, मुझे इसे पीछे भेजना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या था, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर वन था, लेकिन मुझे क्या करना है, इसे आगे नहीं भेजना, मुझे इसे पीछे भेजना है, एक वैल्यू पीछे। तो उसकी जगह, उसके लिए मैं यहाँ पर वन की जगह माइनस वन डालूंगा। और अगर मैं इसे अभी रन करके देखूँ तो ये क्या कर रहा है, ये मुझे हेलो को अपोजिट सेंस में प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। और अगर मैं क्या करूँ, अगर मुझे इसे सीधा सीधा प्रिंट करवाना है, ठीक है, मुझे इसे सीधा सीधा प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसे इसकी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, बैकवर्ड में इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी माइनस फाइव, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसे माइनस फाइव से शुरू कर रहा हूँ। माइनस फाइव क्या, कहाँ है, माइनस फाइव यहाँ पर है, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, ये माइनस फाइव है, ठीक है। माइनस फाइव से मैं कहाँ तक चाहता हूँ, माइनस वन तक की चीज़ चाहता हूँ मैं यहाँ पर। और उसके लिए ये क्या क्या करेगा, ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, माइनस फाइव से आगे बढ़ेगा तो इसे माइनस फोर मिलेगा, तो इसे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर मेरा माइनस वन देने का कोई सेंस नहीं बनता, मुझे यहाँ पर वन देना चाहिए, ठीक है। और वन तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसे अभी रन करके देखूँ तो ये क्या कर रहा है, ये मुझे हेल प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या डाला था यहाँ पर, हेलो। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो स्टेप वैल्यू है जब तक इसे माइनस वन मिलेगी, ठीक है, तो ये रुक जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को स्टॉप वैल्यू जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर ये जो स्लाइसिंग है वो रुक जाएगी। तो माइनस वन तक आएगा, जब तक ओ पर पहुँचेगा तो ये रुक जाएगा, तो ये ओ को इंक्लूड नहीं कर पा रहा है इसलिए। तो मुझे यहाँ पर क्या डालना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर ज़ीरो डालना चाहिए ताकि ये माइनस वन तक काम करे। तो अगर मैं ये डालूँ माइनस फाइव से ज़ीरो तक, तो क्या ये हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है अगर मैं इसे रन करूँ? नहीं, ये काम नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर मैं जब नेगेटिव में नंबर डाल रहा हूँ तो ये समझ रहा है कि ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने ज़ीरो डाला हुआ है, तो ज़ीरो तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग में होती नहीं है ना, तो इसलिए ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। और अगर मैं तुम्हें एक और चीज़ यहाँ पर बताऊँ कि मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर वन से लेकर थ्री तक रखा, ठीक है, तो वन में क्या है, ज़ीरो वन, वन में ई है, और थ्री में क्या है, ज़ीरो वन टू थ्री, थ्री में ई है, तो थ्री को तो ये लेने वाला है नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ ई एल को लेने वाला ही है। तो यहाँ पर मैं इसे अगर अभी रन करूँ तो यहाँ पर मेरे पास ई और एल आ गया। तो इस तरह से मेरे पास स्लाइसिंग यहाँ पर हो रही है। और अगर मैं यहाँ पर वन में कुछ नहीं डालूँ, ठीक है, और मैं इसी तरह से बी में स्लाइसिंग करूँ, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो ले लेगा, ठीक है, स्टार्ट वैल्यू में ऑटोमेटिकली ज़ीरो ले लेगा। अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो यहाँ पर ये एच से चीज़ों को उठा रहा है, और अगर मैं यहाँ पर एंड में कुछ नहीं डालूँ तो क्या करेगा, ये पूरे स्ट्रिंग को ले लेगा, पूरे स्ट्रिंग को उठा लेगा। तो अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो यहाँ पर ये ई से शुरू कर रहा है, क्योंकि ई जो है उसका पोजीशन वन है, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरे स्ट्रिंग को पूरे के पूरे उठा ले रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों चीज़ों को नहीं डालूँ तो ये मेरे पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट करके देगा, ठीक है। यहाँ पर स्लाइसिंग हो भी रही है, लेकिन मैंने यहाँ पर अपर लिमिट पूरा और लोअर लिमिट वो भी पूरा डाला हुआ है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर स्लाइसिंग का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने अभी तुम्हें बता दिया कि स्लाइसिंग क्या होती है। अब हमारे पास जो है लास्ट टॉपिक आता है, जो कि स्ट्रिंग फंक्शन एंड मेथड्स। ये क्या होता है, हमने अलग अलग फंक्शंस के बारे में तो अभी नहीं पढ़ा है, हमने फंक्शंस का चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं किया है,
लेकिन मैंने तुम्हें ये जरूर बताया कि फंक्शन होता क्या है, कब बताया, पाइथन फंडामेंटल्स वाले वीडियो में, ठीक है। तो फंक्शंस अगर तुम्हें पता नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं तुम्हें सिंपली ये बताने वाला हूँ कि स्ट्रिंग्स में हम और क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग्स में हमने अभी कॉनकैटेनेट कर दिया, रेप्लिकेट किया, तो उसके अलावा हम किन किन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर तुम्हें बताने वाला हूँ। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जिसमें हेलो मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, और अब मैं इस स्ट्रिंग यानी ए के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाला हूँ। कैसे परफॉर्म करने वाला हूँ, कुछ मेथड्स को यूज़ करने वाला हूँ। कैसे करने वाला हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पर पहले डॉट लिखूंगा और उस मेथड को लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, और क्योंकि वो एक फंक्शन है तो मुझे मैं उसे इस तरह से कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं अलग अलग मेथड्स को यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पर अगर तुम पाइथन की वेबसाइट पर चेक करो तो तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मेथड्स मिल जाएंगे, डॉट फाइंड, डॉट आर फाइंड, डॉट इंडेक्स, डॉट आर इंडेक्स, डॉट काउंट, डॉट लोअर, डॉट स्प्लिट, तो इस तरह के बहुत सारे मेथड्स तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन तुम अपने बुक्स में देख सकते हो, तुम्हारे कौन बहुत सारे होंगे तुम्हारे पास, ठीक है। तो उनमें से जो मेरे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि है बहुत सारे, तो यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए वो मैं यहाँ पर तुम्हें बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं कैपिटलाइज से। कैपिटलाइज का क्या काम होता है? कैपिटलाइज का काम ये होता है कि इसके पास जो पहला लेटर होता है सिर्फ उसे कैपिटलाइज करता है और बाकी चीज़ों को वो लोअर केस में कर देता है। अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इस वाले एल को कैपिटल कर देता हूँ। अगर मैं इसे अभी रन करके दिखाऊं तो यहाँ पर तुम देख सकते हो एच को तो कैपिटल था तो इसने कैपिटल रहने दिया, लेकिन यहाँ पर जो ये जो कैपिटल एल था इसे इसने स्मॉल कर दिया। अगर मैं यहाँ पर इस कैपिटल एच को स्मॉल कर दूँ तो अभी तुम्हें आउटपुट देख के समझ आएगा। यहाँ पर तुम देख सकते हो पहला जो लेटर था उसे इसने कैपिटल रहने दिया और बाकी का जो जो भी था उसे इसने लोअर केस में रखा। तो ये था कैपिटलाइज का काम। अब दूसरा क्या है? दूसरा है काउंट। अब काउंट जो है वो एक आर्ग्यूमेंट लेती है अपने अंदर, जैसे कि प्रिंट फंक्शन है, इसके अंदर हम कुछ डालते हैं, ठीक है, कोई एक वेरिएबल या फिर कोई एक वैल्यू डालते हैं, तो उसे हम आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं। किसी फंक्शन के अंदर हम कुछ डाल रहे तो यहाँ पर भी एक आर्ग्यूमेंट ये लेती है, ठीक है। अब काउंट के अंदर मैं इसे ऐसे ही रन करने जाऊँ तो ये मेरे को एरर देगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, तो एक आर्ग्यूमेंट मुझे यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग के अंदर मेरे को जो भी देना होगा मैं दूंगा। यहाँ पर मैंने मान लेते हैं एल लिख दिया, ठीक है, और इसे मैं पहले ठीक कर लेता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, ये मेरे को ढूंढ के दे रहा है, ठीक है, कि ए के अंदर काउंट करो कि कितने स्मॉल एल है, ठीक है। तो कितने स्मॉल एल है, दो स्मॉल एल है, ठीक है, किसके अंदर, ए के अंदर। तो यहाँ पर बी में टू असाइन हो जाएगा और फिर ये मेरे को टू प्रिंट करके देगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये मेरे पास टू आ गया। तो इस तरह से ये काउंट वाला जो है वो काम कर रहा है। तो अभी हमारे पास एक और मेथड है जो कि है फाइंड, ठीक है। फाइंड क्या करता है, फाइंड पहले मैं यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट देता हूँ, इसे यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट देता हूँ एच, ठीक है। अब ये मेरे को एच फाइंड करके देगा ए में, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो ये मेरे को जीरो बता रहा है, यानी ये जीरो वाले इंडेक्स पे है फाइंड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसे चेंज करके ई कर दूँ, अभी मैं इसे रन करूँ तो ये मेरे को वन बता रहा है। और यहाँ पर मैं इंटरवल डाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर इंटरवल डालना चाहूँ तो मान लेते कि मैं यहाँ पर टू से लेकर फाइव तक डाल रहा हूँ, ठीक है। 0 1 2 ये यहाँ से शुरू करेगा और फाइव तक जाएगा यानी फोर तक जाएगा, ठीक है, 5 -1 यानी फोर तक जाएगा। तो अगर मैं इसे अभी रन करके देखूँ तो ये मेरे को क्या बता रहा है कि ई जो है वो इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये -1 रिटर्न करके दे रहा है ये मेरे को, ठीक है। तो ये इस तरह से फाइंड वाला जो मेथड है वो काम कर रहा है। और अगर इसकी जगह पे मैं यहाँ पर ओ कर दूँ और अगर मैं इसे अभी रन करके दिखाऊँ तो ये मेरे को 4 बता रहा है, यानी 4 वाले जो इंडेक्स है 0 1 2 3 4, 4 वाले फोर्थ इंडेक्स पे ये मेरे को इसको जो है वो ओ मिल जा रहा है, इसलिए ये मेरे को 4 रिटर्न करके दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इन वैल्यूज़ को ना डालूँ तो ये मेरे को पूरे के पूरे स्ट्रिंग यानी कि पूरे पूरे ए में फाइंड करके देगा। तो यहाँ पर मैं इसे अभी रन करूँ तो ये मेरे पास 4 आ रहा है। अब मेरे पास एक और मेथड आता है जो कि इंडेक्स, तो यहाँ पर मैं इंडेक्स लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने इंडेक्स लिखा और अगर मैं इसे अभी रन करके देखूँ तो ये मेरे को क्या बता रहा है, ये मेरे को डायरेक्ट इंडेक्स बता रहा है 4। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर फाइंड डाल रहा हूँ तो भी ये मेरे को सेम आउटपुट दे रहा है, मैं यहाँ पर इंडेक्स डाल रहा हूँ तो भी ये मेरे को इंडेक्स ही रिटर्न करके दे रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में ये अंतर है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा डाल दूँ जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो ये मेरे को कोई आउटपुट नहीं देगा, ये मेरे को एक एरर दे देगा, ठीक है, यहाँ पर इसने मेरे को एरर दिया। लेकिन अगर यहीं पर मैं इसके जगह पे फाइंड लिखता, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर सिर्फ फाइंड लिखता तो यहाँ पर मेरे को इसे नहीं मिल रहा तो ये मेरे को -1 लिख के देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस होता है डॉट फाइंड में और डॉट इंडेक्स में। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो
तुम इसे ध्यान में रखो। अब मेरे पास जो दूसरा मेथड है वो है इज एल नम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इज एल नम, इसका मतलब ये है कि हमारा जो यहाँ पर ए है क्या वो अल्फा न्यूमरिक है, ठीक है। तो क्या वो अल्फा न्यूमरिक है, और यहाँ पर ये जो है वो आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, अगर मैं इसे ऐसे रन करके देखूँ, ठीक है, तो ये ट्रू बता रहा है क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेटिकल लेटर्स तो है ही, भले नंबर्स नहीं है लेकिन अल्फा न्यूमरिक ये है, ठीक है, भले नंबर्स नहीं यहाँ पर। अगर मैं क्या होगा अगर मैं यहाँ पर एट द रेट डाल दूँ और अभी इसे रन करूँ, तो ये फॉल्स बता रहा है। क्यों? क्योंकि एट द रेट जो है वो ना ही अल्फाबेट है और ना ही कोई नंबर है, ठीक है, तो इसलिए वो फॉल्स बता रहा है मुझे। तो ये काम है इज एलनम का। अब हमारे पास दूसरा एक फंक्शन है, दूसरा एक मेथड है जो कि है इज अल्फा। तो यहाँ पर मैं इज अल्फा करके दूँ, तुम्हें पता होगा यहाँ पर ये क्या रिटर्न करके देने वाला है, ये मुझे ये ट्रू रिटर्न करके देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये सारे के सारे अल्फाबेट लेटर्स हैं। अगर मैं यहाँ पर वन डाल दूँ कहीं पर और अगर मैं अभी इसे रन करूँ तो यहाँ पर ये फॉल्स बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम है इज अल्फा का। नेक्स्ट जो है वो इज डिजिट है। तो अगर मैं यहाँ पर इसे हटा के इज डिजिट कर दूँ तो वो मुझे ये बताएगी कि इसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स हैं या नहीं। तो क्या इसमें सिर्फ डिजिट्स हैं? नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ एक डिजिट डाल दूँ तो क्या ये रिटर्न करेगा? तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर डिजिट्स हों, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये ट्रू रिटर्न करेगा। दूसरा है इज लोअर। तो इज लोअर में क्या होता है कि ये तुम्हें बताएगा कि तुमने जो स्ट्रिंग डाला हुआ है क्या वो लोअर केस में है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इज लोअर कर दिया, अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो ये मेरे को फॉल्स बता रहा है, ठीक है। क्यों बता रहा है? अगर मैं यहाँ पर इज अपर भी करता तो भी ये मुझे फॉल्स बताता, क्योंकि ये अल्फाबेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें इज अपर भी कर के दिखाता हूँ, अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो भी ये मुझे फॉल्स बता रहा है, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल है ही नहीं। यहाँ पर अपर केस क्या और लोअर केस है कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर डालता हूँ, यहाँ पर मैंने ए बी सी डाल दिया, ठीक है। तो इसे मैं रन करूँ तो भी ये फॉल्स बता रहा है, क्योंकि ये मुझे कम्प्लीटली चाहिए, ठीक है। इस अपर लिखा है मैंने तो मेरे को पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है वो अपर केस में चाहिए, तो बी सी, ठीक है। अभी ये मेरे को ट्रू रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ट्रू आ गया। और यहीं अगर मैं लोअर केस में लिखूं और अभी से रन करूं तो ये फॉल्स आ जाएगा, तुम्हें पता है। यहाँ पर मैं इसे लोअर लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे को अब मेरे को ट्रू रिटर्न करके देगा, ठीक है, ये मेरे पास ट्रू आ गया। अब मेरे पास एक और मेथड है जो कि है डॉट इज। अब मेरे पास एक और मेथड है जो कि है सिर्फ लोअर और अपर का। तो वो मेरे पूरे एक स्ट्रिंग पे चेंज लेके आता है। अगर मैं यहाँ पर लोअर कर दूँ तो ये मेरे को यहाँ पर ए में जो भी चीज़ें हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट करके बी में स्टोर करेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी ये लोअर केस में है तो मैं इसे रन करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वापस वैसा का तो वैसा ही आ गया। अगर मैं इसे कैपिटल लेटर्स में कर दूँ, कैपिटल ए बी सी, अब ये मेरे को लोअर केस में ला के देगा, ठीक है। लोअर वाला जो मेथड है वो काम करता है। अगर मैं यहाँ पर अपर करूँ और मैं इसे चेंज करके स्मॉल केस में कर दूँ, ठीक है, लोअर केस में कर दूँ, अब मेरे को ये अपर केस में ला करके देगा, ठीक है, मेरा स्ट्रिंग। तो इस तरह से अपर केस और लोअर केस हम बना सकते हैं अपर और लोअर मेथड का यूज़ करके। अब हमारे पास एक और मेथड आता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रिप, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्ट्रिप लिखा, क्या होगा इसमें अगर मैं इसे सिंपली ऐसे रन करके देखूँ? कोई आउटपुट में चेंजेस नहीं आए, ठीक है, ए में जो जैसा था वो वैसा का वैसा ही है। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पर शुरू में कुछ स्पेसेस डाल दूँ? तो देखो वो स्पेसेस को इसने हटा दिया। क्या होगा अगर मैं यहाँ पर कुछ स्पेसेस डालूँ? तो यहाँ पर तुम्हें दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये इसने इन स्पेसेस को भी हटा के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करता है स्ट्रिप, ये लीडिंग और ट्रेलिंग के जो स्पेसेस होते हैं यानी शुरू के और एंड के जो स्पेसेस होते हैं वाइट स्पेसेस, उन्हें ये हटा देता है और उसके बाद प्रिंट करके देता है हमें। तो ये काम होता है सिर्फ स्ट्रिप का। और हमारे पास दो और स्ट्रिप हैं, आर स्ट्रिप और एल स्ट्रिप। तो आर स्ट्रिप होता है वो क्या करता है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट ना दूँ, ठीक है, और अभी रन करूँ तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है। तो इसमें मैं आर्ग्यूमेंट डाल देता हूँ, क्या यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, मान लेते हैं मैं जेड डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने जेड डाला, क्या कोई चेंज आया? नहीं आया। लेकिन मैं यहाँ पर अगर मैं चेंज लाऊं और यहाँ पर मैं लिख दूँ सी, ठीक है, और अभी से रन करूँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि राइट साइड से जो है वो सी गायब हो गया है, यानी आर मतलब राइट और स्ट्रिप यानी सी को जो है वो राइट साइड से ये गायब कर दे रहा है। अगर मैं सी को शुरू में भी डाल दूँ तो क्या होता है? अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो इसने शुरू वाले सी को तो रहने दिया,
लेकिन एंड वाले यानी राइट साइड वाले स्ट्रिंग, राइट साइड वाले सी को इसने हटा दिया। क्या होगा अगर मैं यहाँ पर और दो तीन सी डाल दूँ, अगर मैं इसे अभिनन करके देखूँ, तो इसको राइट साइड से जितने सी मिले उतने सी को इसने हटा दिया। क्या होगा अगर मैं यहाँ पर ए कर दूँ, ठीक है, ताकि इसे डायरेक्टली राइट साइड में सी ना मिले। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर इसने कुछ नहीं किया, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे डायरेक्टली चाहिए, ठीक है, राइट साइड में। अगर मैं आर शिफ्ट कर रहा हूँ तो इसे डायरेक्टली राइट साइड में चाहिए, जितने सी इसे मिलेंगे उन्हें ये उड़ा देगा, ठीक है। उसी तरह से एल स्ट्रिप अगर हम करें तो ये शुरू वाले सी को हटा देगा। यहाँ तुम देख सकते हो यहाँ से इसने इधर वाले सी को हटा दिया। अब हमारे पास आते हैं दो और मेथड्स जो कि स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार्ट्स विथ, ठीक है। तो ये मुझे चेक करके देगा कि क्या जो है वो सी से स्टार्ट हो रहा है हमारा जो ए ए जो स्ट्रिंग है, क्या वो हमारा सी से स्टार्ट हो रहा है। तो इसे मैं अगर रन करूं तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करके दे रहा है, क्योंकि हाँ यहाँ पर शुरू में सी है। अगर मैं यहाँ पर से सी हटा दूँ, अब देखते हैं, अब ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है, क्योंकि ये जो सी है वो यहाँ पर शुरू में नहीं है। वहीं अगर मैं यहाँ पर एंड स्विच कर दूँ तो, ठीक है, या अगर मैं एंड स्विच कर दूँ तो ये मेरे को ट्रू करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा, क्योंकि यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है सी से। तो यहाँ पर मेरे पास ये ट्रू आ गया है। और अगर मैं यहाँ पर डॉट टाइटल डाल दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने डॉट टाइटल डाल दिया, ठीक है। अब ये टाइटल मेरे को क्या करके देगा, यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, तो मैं आर्ग्यूमेंट को हटाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर टाइटल क्या करता होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हाउ आर यू, ठीक है। अब ये टाइटल वाला जो मेथड है वो मेरे को क्या करके देगा, यहाँ पर मैं इसे रन करूँ तो ये मेरे को हर एक वर्ड के इनिशियल लेटर को ये कैपिटल करके दे रहा है, ठीक है। कैपिटलाइज क्या कर रहा था, पूरे सेंटेंस, पूरे स्ट्रिंग के जो, पूरा स्ट्रिंग का जो पहला लेटर था वो बस उसे कैपिटलाइज कर रहा था। लेकिन ये जो टाइटल है वो क्या कर रहा है कि हर एक वर्ड के पहले लेटर को ये कैपिटलाइज कर रहा है, तुम यहाँ पर देख सकते हो। तो ये था डॉट टाइटल मेथड का काम। वहीं अगर मैं यहाँ पर इस टाइटल कर दूँ तो क्या होगा, ये मेरे को, यानी ये मेरे को ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा। अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो ये मेरे को फॉल्स बता रहा है, यानी कि ये इस केस में नहीं है, ठीक है। ये टाइटल केस क्या होता है, जहाँ जहाँ पर हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो, ठीक है। अगर मैं इसे अभी रन करके देखूँ तो ये ट्रू आ गया, यानी कि ये टाइटल केस में है, तो इसलिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है मेरे पास रिप्लेस, तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने रिप्लेस लिखा, और रिप्लेस किससे करना है, तो रिप्लेस में हम पहले यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स डालेंगे, ठीक है। तो रिप्लेस में हम शुरू में वो चीज़ डालेंगे जो कि यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, और उसके बाद हम वो चीज़ डालेंगे जिससे हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मान लेते हैं कि यहाँ पर आर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आर लिखा हुआ है, उसको मैं हटाना चाहता हूँ और उसके जगह पर डालना चाहता हूँ इज़। तो यहाँ पर आना चाहिए हाउ इज़ यू, ठीक है। तो यहाँ पर इसे मैं रन करूँ तो ये हाउ इज़ यू आ गया। तो इस तरह से ये रिप्लेस काम करता है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ, मान लेते हैं मैं यहाँ पर सिर्फ ओ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, तो फिर क्या होता है, अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पर जहाँ जहाँ ओ था यहाँ पर ओ था, यहाँ ओ था, तो उसकी जगह पर ये इज़ ला के दे रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये बड़ा बेकार हो गया, तो इसको हटाते हैं अभी। तो ये था रिप्लेस। अब मेरे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है ज्वाइन, ठीक है। और ज्वाइन मेथड क्या करता है, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक क्विक सिंबल डाल देता हूँ, और अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो ये क्या कर रहा है, ये इस सिंबल को हर एक लेटर के बाद इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो ज्वाइन के अंदर हम जो कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है, ज्वाइन के अंदर मैंने जो कुछ भी डाला है उसके हर एक लेटर के बाद वो ए को इंक्लूड कर रहा है, और उस चीज़ को रिटर्न करके वो बी में दे रहा है, और वो बी मुझे वो प्रिंट करके दे रहा है, ये प्रिंट फंक्शन जो है। तो यहाँ पर एच के बाद हैश आ गया, उसके बाद फिर ओ के बाद हैश आ गया, फिर इसी तरह से कर करके ये मेरे इस स्ट्रिंग को इसके हर एक लेटर के बाद प्रिंट डाल के दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये ज्वाइन मेथड काम करता है। अब मेरे पास एक और मेथड है जो कि है स्प्लिट। तो स्प्लिट क्या करती है, पहले मैं अपने टेक्स्ट को सही कर लेता हूँ यहाँ पर से। अब ये स्प्लिट क्या करेगी, यहाँ पर मैं ए को स्प्लिट कर रहा हूँ और उसे फिर असाइन कर रहा हूँ बी में। तो यहाँ पर मैंने, क्योंकि यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट मैंने डाला नहीं है, तो ये क्या करेगा कि जहाँ पर भी इसे स्पेस मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर भी इसे स्पेस मिल रहा है वहाँ पर से ये इसे इस पूरे स्ट्रिंग को सेपरेट कर देगा और उसे एक लिस्ट में स्टोर करेगा, और उन चीज़ों को, एक हर एक वर्ड को एक अलग अलग एलिमेंट बना देगा उस लिस्ट की। हाँ, तो अगर मैं इसे अभी रन,
तो अगर मैं इसे अभी रन करके देखूं, तो यहाँ तुम देख सकते हो मेरे पास एक स्ट्रिंग आ गया है और हर एक वर्ड अलग अलग एलिमेंट बन चुका है इसका। तो यहाँ पर मैंने कोई आर्गुमेंट डाला नहीं है। आर्गुमेंट में हम क्या डालते हैं, सेपरेटर को। तो यहाँ पर मैं अगर इंटेंशनली ओ डाल दूँ तो क्या होगा, तो इसे जहाँ पर भी ओ मिलेगा वहाँ से ये सेपरेट कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो यहाँ पर इसे देखो, यहाँ पर एच तक इसने किया, ठीक है, फिर ओ इसे मिला, तो ओ तो इसने नहीं लिया, ठीक है। ओ ले, ओ को हटाने के बाद जब इसके पास डब्ल्यू आया, फिर स्पेस आया, फिर आर आया, फिर स्पेस आया, फिर वाई आया, यहाँ तक इसने एक को ले लिया, फिर से इसके पास ओ आया तो ओ को इसने हटा दिया, और उसके बाद फिर एलिमेंट चेंज किया और यू आ गया। तो इस तरह से, और यू आर क्वेश्चन मार्क भी आ गया, तो इस तरह से इसने ये लिस्ट को जो है वो प्रिपेयर कर लिया। तो इस तरह से स्प्लिट काम करता है। और मेरे पास स्प्लिट से ही रिलेटेड एक और मेथड है जो कि है पार्टीशन। पार्टीशन क्या करता है, यहाँ पर ये जो स्प्लिट और पार्टीशन वाले जो मेथड्स है वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो इनमें तुम ध्यान दो। यहाँ पर मैं अगर पार्टीशन लिख दूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर पार्टीशन लिख दिया और अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पर देखो ये मेरे को तीन स्ट्रिंग्स को रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। पहला कि जो सेपरेटर के पहले वाला पार्ट है वो उसको प्रिंट करती है, और उसके बाद फिर सेपरेटर को प्रिंट करती है, और उसके बाद फिर सेपरेटर के आगे वाले पार्ट को प्रिंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टीशन और स्प्लिट में अलग अलग चीज़ों का डिफरेंस है। मैं तुम्हें एक बार और दिखाता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैं सी कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ सी को, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम्हें साफ डिफरेंस नज़र आएगा। यहाँ पर ये क्या कर रही है, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर जब मैं बी को प्रिंट करवा रहा हूँ तो इसके जगह में मैं क्या करता हूँ, मैं स्प्लिट कर देता हूँ। अब तुम्हें साफ डिफरेंस नज़र आएगा। अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैं स्प्लिट का यूज़ कर रहा हूँ तो ये क्या कर रही है कि ये एक लिस्ट बना रही है, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये होगा कि स्प्लिट जो है वो एक लिस्ट बनाती है, पार्टीशन जो है वो एक टपल बनाती है, ठीक है। तो ये अलग अलग डिफरेंस हो गया। अब जब हम स्प्लिट का यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या कर रही है कि ये इस चीज़ को इग्नोर कर रही है, यहाँ से यहाँ यही इसी ए पे तो ही हम काम कर रहे हैं ना, लेकिन ए को ही हटा रही है। देखो ए, ये जो ओ है वो तुम्हें ए पर जहाँ पर भी मिल रहा है वो यहाँ पर से हटा दे रही है, ठीक है, हटा दे रही है। और उस चीज़ को हटाने के बाद जो कुछ भी बच रहा है वो एलिमेंट उसे बनाकर दे रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एच इसने प्रिंट किया, एच को इसने एक एलिमेंट बनाया, ठीक है, यहाँ पर एक एलिमेंट बनाया, उसके बाद ओ इसे मिला तो ओ को इसने हटा दिया, उसके बाद जो कुछ भी मिला डब्ल्यू स्पेस आर स्पेस वाई, यहाँ तक इसने एक एलिमेंट अलग से बनाया, उसके बाद फिर ओ को इसने फिर से हटा दिया, फिर यू क्वेश्चन मार्क बचा तो इसने ये रख दिया, ठीक है। तो ये स्प्लिट का काम हुआ। और पार्टीशन का काम क्या हुआ कि इसने सबसे पहले तो एक टपल बनाया, ठीक है, और टपल बनाने के बाद इसे जहाँ पर भी ओ मिल रहा है ये क्या कर रही है, ये शुरू से ढूंढ रही है ओ को, ठीक है। ये ऐसा नहीं कर रही कि ये पूरे स्ट्रिंग में से हर जगह से ओ को उठा रही है जो कि स्प्लिट कर रहा था। पार्टीशन जो है वो शुरू से ढूंढेगी ओ को, ठीक है, और पार्टीशन जो है वो क्या करेगी, वो एक टपल हमें रिटर्न करके देगी जिसमें हमेशा तीन एलिमेंट्स ही होंगे, ठीक है। और वो तीन एलिमेंट्स कौन कौन के होंगे, कौन कौन से होंगे, पहले तो वो उस सेपरेटर के पहले वाला जो कुछ भी है वो हो जाएगा, और उसके बाद खुद वो सेपरेटर, और उसके बाद सेपरेटर के बाद वाली चीज़ें, ठीक है। वहाँ यहाँ पर तुम देख सकते हो एच, और उसके बाद फिर सेपरेटर, और फिर सेपरेटर के बाद वाली जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ यहाँ पर आ गई हैं। तो इस तरह से इसने एक टपल बना दिया, इस तरह से स्प्लिट ने एक लिस्ट बना दिया, और हमारा जो स्प्लिट है वो आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ को इग्नोर कर रहा है, वहीं हमारा जो पार्टीशन है वो उसको इग्नोर नहीं कर रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं यहाँ पर तुम्हें दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं टुडे कर दूँ, यहाँ पर मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर तुम लिस्ट में देखो तो यहाँ पर एक दो तीन चार, ये चार एलिमेंट्स आ गए। वहीं अगर तुम देखो तो यहाँ पर एक दो तीन आ गया, ठीक है। तो हमेशा पार्टीशन में तीन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। कौन कौन सा ये कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, सेपरेटर के पहले वाला, खुद सेपरेटर, और सेपरेटर के बाद वाला। वहीं लिस्ट में क्या होगा कि लिस्ट में हर एक वर्ड आ जाएगा, ठीक है। अगर तुमने ये चीज़ नहीं डाली हुई, अगर यहाँ पर सिर्फ स्पेस होता तो हर एक वर्ड आ जाता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये डाला हुआ है तुमने, तो इसको छोड़ के बाकी जो कुछ भी है वो यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से स्प्लिट और पार्टीशन का काम चलता है। यहाँ पर तुम देख सकते हो ये ऊपर वाला जो है वो स्प्लिट का आउटपुट है, और नीचे जो है वो पार्टीशन का आउटपुट है। तो इस तरह से सारे के सारे मेथड्स, जो भी इंपॉर्टेंट मेथड्स थे, वो मैंने ख़त्म कर दिए। तो इस तरह से तुम्हारा ये जो चैप्टर है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ये ख़त्म होता है।